की पार्टी के अंदर ही जब भारत का बखान होने लगा, भारत की अच्छाई और चीन की बुराई पता लगने लगी, तो जिनपिंग कैसे झल्ला गए और अपने नेता पर ही एक्शन ले लिया। उसके बाद चीनी जनता जो अब बोल रही है वो भी आपको देखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। जिनपिंग की सच्चाई आज आपको देखनी चाहिए, कैसे जब उनकी ही पार्टी में भारत की तारीफ होने लगी तो क्या कर बैठा चीन। दरअसल जिनपिंग को अपनी ही पार्टी के अंदर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल पार्टी स्कूल से निलंबित की गई प्रोफेसर काइशिया ने कहा कि इस राष्ट्रपति के हाथों में बेलगाम सत्ता रहने से चीन दुनिया का दुश्मन बन गया है। भारत से उन्होंने संबंध खराब कर लिए। भारत जैसा देश कभी किसी से दुश्मनी नहीं करता। इसके बाद आलोचना करने पर प्रोफेसर को निष्कासित कर दिया गया, उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। इसीलिए प्रोफेसर काई ने अपनी सुरक्षा के ख्याल से चीन को छोड़ दिया। सेंट्रल पार्टी स्कूल ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने देश की साख को नुकसान पहुंचाया है और इससे गंभीर राजनीतिक समस्याएं पैदा हुई हैं। अंग्रेजी अखबार द गार्जियन से उन्होंने कहा कि वे देश से निर्वासित होकर खुश हैं। कई शिया ने कहा कि शी के साथ शासनकाल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीन के लिए प्रगति की ताकत नहीं रह गई है। वास्तव में ये लोग चीन के विकास के लिए बाधक बन गए हैं। मुझे यकीन है कि सिर्फ मैं ही नहीं जो पार्टी को छोड़ना चाहती हूं, कई लोग हैं जो पार्टी छोड़ना चाहेंगे। मैंने कई साल पहले पार्टी छोड़ने का मन बनाया था जब मेरे बोलने के लिए जगह नहीं बची थी। शी ने कहा कि शी जिनपिंग अपनी नीतियों से चीन का पूरी दुनिया के सामने उनको दुश्मन बना रहे हैं। बता दें कि चीन में सुप्रीम लीडर की थोड़ी सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाती वाकई, और इसीलिए उन्होंने अपने सहयोगी नेता पर यह एक्शन लिया है। लेकिन इसके बाद चीनी जनता क्या कह रही है वो आपको दिखाते हैं। बोलो चुंग कहते हैं प्रोफेसर काई ने सच बोला है, शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को चीन का दुश्मन बना दिया है, कब तक सच को छुपाते रहोगे। टोडो रोकी कहते हैं काई शिया एक सच्ची प्रोफेसर हैं, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया कि उन्हें चीन को छोड़ना पड़ गया। चीन की जनता सच के साथ खड़ी है, हम उनके लिए सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। जेनी लैम्बर्ट कहते हैं जिनपिंग ने सबसे बड़ी गलती की है कि भारत के साथ दुश्मनी करके। अगर शी जिनपिंग को सरकार चलानी है तो भारत के साथ अपने संबंध सही कर ले, वरना बहुत नुकसान होगा। तो चीनी जनता क्या बोल रही है आपने सुना, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार बड़े मुद्दों के लिए हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।